So I'm traveling in one of the most beautiful towns of the least populated state in India. और ये state सिर्फ least populated state नहीं है इंडिया का, but ये एक लौता state है जो कि 100% organic है इंडिया में। तो भाई जिस state की मैं बात कर रहा हूँ वो है सिक्किम। अब I'm sure तुम कुछ लोग सोचोगे भाई अंडमान लक्षद्वीप इन सब में population ज़्यादा कम है, but guys वो सब यूटी है। जो state जिसकी सबसे कम population है वो है सिक्किम। और सिक्किम में मैं कहाँ आ गया हूँ? और सिक्किम में मैं आ गया हूँ युकसुम नाम के एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा underrated village में। अब देखो मैं मानता हूँ कि किसी जगह को अच्छे से परखना है ना तो उसकी कमर्शियल जगह पे पहले मत जाओ, इसलिए मैं वहाँ पे गैंगटॉक लाचुंग नाचिन अभी नहीं गया, बाद में जाऊँगा। मुझे इस जगह पे आकर देखना था कि भाई असली ये लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की असली वाइब कैसी होती है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की वादियाँ कैसी है और ये जगह घूमने लायक है कि नहीं। एंड इस जर्नी में थोड़ा सा मसाला ये डलने वाला है कि आई एम ट्रैवलिंग दिस जर्नी विद सम स्ट्रेंजर। अब सिक्किम के सुंदर विलेज युकसुम तक आने के लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिलीगुड़ी से एक शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ेगी जोरथांग की तरफ और फिर जोरथांग से एक और टैक्सी लेनी पड़ेगी तुम्हें युकसुम को। और ये लंबा सफर तय करके मैं पहुंच गया था युकसुम के वेलकम होमस्टे में, विच इज होस्टेड बाय दिस अमेजिंग होस्ट श्री भास्कर साहब। आई डिसाइडेड कि इस होमस्टे में जितने लोग मिलेंगे मैं सबके साथ ही घूमूंगा। अब आई एम श्योर तुमसे कोई पूछेगा कि यहाँ की कैपिटल क्या है सिक्किम की, तो लोग बोलेंगे गैंगटॉक। बट यहाँ की जो फर्स्ट कैपिटल थी वो ये गांव था जिसका नाम है युकसुम। रोए मैजिक मशरूम है कि जहरीले मशरूम है? ये कम से कम ना अभी पिछले 10 मिनट में 10 बार सुसु कर चुका है। इतना सुसु लाते कैसे हो? हमारे पास उतना है नहीं। You cannot miss out on the trails and the jungles of Yuksum. There are so many beautiful spots जहाँ पे तुम बैठ के बस chill कर सकते हो और सामने beautiful वादियों को देख सकते हो। पेड़ पौधे बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। Genuinely वादियाँ तो एक नंबर। नाम student कौन है? अबे रोडो का फूल के जूस और वाइन मैंने हिमाचल में पिया। The same फूल? हाँ रोडो ही है। अब ये सुंदर वादियों का मजा लेते हुए और ये ट्रेल कम्प्लीट करते हुए आई थिंक वी हैव रीच्ड द फर्स्ट स्पॉट जिसके लिए भास्कर हमें इतनी लंबी ट्रेल पे लेके आया है। लंबी छोटे जो प्यारी ट्रेल पे हम आए हैं उसका जो हमारा मेन फर्स्ट स्पॉट है वो हम आ गए और इसकी कहानी अभी बताते हैं क्या है। ये जो जगह है दिस इज लाइक वेरी फेमस, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ सिक्किम। यहाँ पे 3 monks का coronation, like उनका meetings होता था, they always used to come together, 3 monks सिक्किम के, और यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता था। So what you see right behind me, this is the throne of the first king, जो कि 1641 में यहाँ पे जिनका king तिलक हुआ था, राज तिलक। और यहाँ से निकलते ही हमें एक सुनसान केव दिखी जो कि भास्कर के अकॉर्डिंग नेवर एंडिंग थी। क्योंकि नेवर एंडिंग कैसे सुनते, कभी तो कभी तो नहीं है। वैसे ये अंदर में monks लोग हाइबरनेशन में चले जाते थे और हमने सोचा कि थोड़ा अंदर जाके देखना तो बनता है कि क्या है अंदर। भाई अंदर कोई बैठा हुआ मेरे तो फटके हाथ में आ जाएगी। ओ भाई साहब, तो ये तो नीचे जा रही है एकदम, पाताल में जा रही है ये। There is someone, what? नहीं इतनी दूर से आवाज आया उस पत्थर की। ओ ये तो बहुत ही डीप है। वी फिनिश नहीं हुआ, नीचे आ रही है पूरी। लेफ्ट में, लेफ्ट में नीचे। सर बैठ गए क्या? अब काफी ज्यादा देर केव में बिताने के बाद हमें जेन्युइनली लगा कि भाई ये नेवर एंडिंग है और हम आ गए बाहर पूछते हैं कि ये कितना गहरा है। ये जो यहाँ की कैटेगरी है और टिकट काउंटर पे जो बैठती है आंटी, वो तो कह रही थी कि अभी भी लोग कुछ कहते हैं कि ये लापतांग निकलता है, एक विलेज है। वैसे कुछ खास एकदम पक्का सबूत नहीं है कि लापतांग ही निकलता है, ये और भी बहुत आगे तक है। मैं तो मानता हूँ कि ये पाताल तक जाता है। ये नीचे जा रही थी एकदम, ये अर्थ के कोर पे आएगा, सेंटर ऑफ द अर्थ। और इसके बाद मैं निकल लिया इस गांव की रॉ ब्यूटी देखने। पसंद है चिप्स? हेलो, क्या इसका नाम क्या है? और यहाँ मछलियों को थोड़ा भोजन खिलाने के बाद हमें एक और ट्रैवलर मिला जिसका नाम था हर्ष, जो कि हमें अपने होम स्टे ले गया सिक्किम की लोकल ड्रिंक पिलाने को। ये जो मटका है ना बड़ा सारा, इसके अंदर दारू है यहाँ की लोकल जिसका नाम है टोम्बा। और ये बनती है मिलेट से जो हम हिंदी में बाजरा कहते हैं, ठीक है? तो उसके जूस में डालते हैं, उसमें गर्म पानी डालते हैं और ये सुंदर सा जो ग्लास है इसमें एकदम लकड़ी के स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और मेरे युकसुम के इस मस्त दिन का एंड हुआ इस टेस्टी ड्रिंक से। मतलब ट्रैवल करते तो कैसे कैसे लोग मिलते हैं ना, तू पैदल भाग रहा है, वो साइकिल से पूरा कॉन्टिनेंट, कहाँ से? नीदरलैंड से, नीदरलैंड से साइकिल चला के आ रहा है।
वो भाई ये दुबई से सीधा युक्सम आ रहा है। हाँ, मैं दुबई से युक्सम नहीं आ रहा है। वो गोवा से भी युक्सम आ रहे हैं। मैं उत्तराखंड से आ रहा हूँ, मैं उत्तराखंड से आ रहा हूँ, गंगोत्री में था। एग्जैजरेट हो गया। मैं यही हूँ। मैं नहीं हूँ। आप कभी भी युक्सम आओ, मैं इसी के पास आना, इसी के पास मैं यही मिलूंगा। यहाँ मजे कराने वाला मैं। अगले दिन सुबह सुबह मैंने सोचा कि युक्सम के सबसे फेमस स्पॉट्स में से एक में होके आया जाए। सुबह सुबह 6:30 बजे उठ के 7:30 बजे बाइक लेके एकदम से दौड़ा के ऊपर से हल्की सी छोटी सी हाइक करके हम इस सिक्किम की सबसे पुरानी मोनास्ट्री देखने आए। बट थोड़ा सा कट गया, हम अंदर नहीं आ सकते बिकॉज गेट बंद है। हम अर्ली मॉर्निंग आए तो मैं अंदर के मजा नहीं ले पाऊंगा, बट बाहर से फीलिंग लेते हैं। एंड टू माई सरप्राइज, वन ऑफ माई व्यूअर्स हुज अ डियर फ्रेंड नाउ केम फ्रॉम गैंगटॉक टू युक्सम जस्ट टू ट्रैवल विद मी। श्वेता बता दे कौन है तू? कौन हूँ मैं? माय नेम इज श्वेता, आई एम फ्रॉम कोलकाता। एंड इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तू मेरी फॉलोअर है। Now, युक्सम की सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी कि वो इतना छोटा गांव है कि आसपास सबको तुम जान लेते हो और सबकी दोस्ती आती है और वो ट्रैवलर्स को बहुत ही सब प्यार से ट्रीट करते हैं। जैसे वहाँ मेरा एक फिक्स रेस्टोरेंट बन गया था जो था गुप्ता रेस्टोरेंट, जहाँ हम रोज खाने आते थे। एंड यही पे मुझे मिले संजू भाई जो कि यहाँ के लोकल ही थे और इन्होंने हम सब ट्रैवलर्स को अपने घर इन्वाइट कर लिया और हम सब बेशर्मों की तरह वहाँ ट्रैक करते हुए निकल गए। तो अभी और लगता है थोड़ा सा। और इस छोटी सी हाइक के बाद हम पहुंच गए संजू भाई के घर जिस पे हम सबका दिल ही आ गया। पूरी नर्सरी है भाई के घर में। कैसे हो? कैसे हो? Cheers to this beautiful home. ऐसा ही घर होना चाहिए। रिटायरमेंट होम, दिस इज माय रिटायरमेंट होम। इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत फोटोग्राफी है, डांसर डांस का वीडियोस है और इतना सुंदर आदमी अपने हुस्न का पूरा फायदा उठाता है ब्रो। तुम लड़कियां जो भी देख रही हो ना सुंदर ये। एंड यहाँ से थोड़ा सा ही वॉक करके हम निकल गए सुंदर जंगलों के बीच इस प्यारे से वॉटरफॉल में। नेचुरल पूल और सीन्स में आने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ ब्रो, डुबकी मारने के। पहले इस व्यू को देखो, ये देखो, अब इसको देखो। मोशी 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 यामामोतो-सान। इस दिन की एकदम परफेक्ट एंडिंग थी। सिर्फ संजू भाई और उनका छोटा भाई ही नहीं बट हम हर्षित को भी उसके होमस्टे से लाए और सब हमारे होमस्टे पे आ गए जहाँ हमने साथ में कुकिंग करी और पूरी रात क्रेजी एक्सपीरियंसेस किए। एंड जैसे नानी के घर में सारे कजन साथ सोते थे वैसे ही वेलकम होमस्टे पे सब लोग रुक गए और हमने पूरी रात बकर करी। इसको लास्ट को देख, लास्ट को। So coming to this offbeat place, Yuksum was the right decision. जगह तो सुंदर थी बट सोचो कि least populated state पे जाके मेरा लोगों के साथ इतना बढ़िया experience हो गया। So till the time you go there, travel more, meet new people more, talk to people more, अपनी कहानियां सुनाओ, उनकी story सुनो, हंसो मुस्कुराओ खुश रहो क्योंकि क्या पता कल हो ना हो।